अस्सलामु अलैकुम। आपने तीतर का नाम तो सुना होगा और आपने तीतर को देखा भी होगा। तीतर, काला तीतर, जंगली तीतर भी कहलाता है। एक छोटा परिंदा है जो 28 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी चोंच मोटी होती है, आसमानी रंग की टांगे और पतली गहरी होती हैं। ये जिंस की वाहिद नौ है। काला तीतर जिंसी तौर पर अलग पहचाना जाता है। नर के चमकदार काले पर होते हैं और काली चोंच होती है। मादा सुर्खी मैल भूरी होती है। इसका हलक का मुंह सफेदी मायल होता है। मादा नर से छोटी होती है। काला तीतर मलाइशिया के जजीरा नुमा नशीबी बारानी जंगलों में, सुमात्रा जुनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है। ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पहले ये सिंगापुर में होता था, अब वहां इसकी नस्ल मादूम हो चुकी है क्योंकि इसके रहने की जगह तबाह हो रही है। इसकी थोड़ी आबादी और ज्यादा शिकार की वजह से कुछ इलाकों में काले तीतर को बाइसे हदफ माना गया है। पाकिस्तान में काले तीतर को पाला जाता है और इनके बोलने का मुकाबला कराया जाता है, जिसे चगरी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद आपको वीडियो मिलती रहे। इंसान भी अजीब मखलूक है, जिससे नफरत करता है उसे तबाह कर देता है, मगर कभी कभी जिससे मोहब्बत हो उसे भी बर्बाद कर देता है। काले तीतर को भी हमारे यहाँ के लोगों की तरफ से मिलने वाली शदीद मोहब्बत इतनी महंगी पड़ी है कि अब परिंदों की ये नस्ल ज्यादातर सिर्फ इंसानी कैद खानों यानी पिंजरों में ही पाई जाती है। और अभी तक तो काले तीतर इस कदर शदीद मोहब्बत के कम होने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 1874 में एक अंग्रेज फौजी जासूस, बल्कि हर फन मौला, फ्रांसिस बर्टन ने पूरा सूबा सिंध कराची से शिकारपुर तक अच्छी तरह घूम फिर कर देखा था। वो लिखता है कि सिंध के हर इलाके में काले तीतर की बेतहाशा आबादी थी। सुबह शाम हर तरफ से तीतर के बोलने की आवाजें माहौल को सहर अंगेज बनाई रखती थी। एक हकीकत यह भी है कि सिंध धरती हजारों सालों से बैरूनी हमलावरों के निशाने पर रहती आई है। माजी में हर 100 साल में 3 से 4 बैरूनी हमले भी तारीख में बयान किए गए हैं। ये हमलावर लश्कर लोगों का सारा माल और असबाब लूट ले जाते थे, और जो नहीं ले जा सकते थे यानी खड़ी फसलें और अनाज के गोदाम वगैरह को आग लगाकर खत्म कर देते थे। इन हालात में जो जिंदा बच जाते थे उनके लिए अपनी जिंदगियां दोबारा से शुरू करने के लिए सिर्फ जंगली हयात ही वाहिद सहारा होता था। मगर अब गुज़िश्ता सदी से सिंध की जंगली हयात को ताराज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने यहाँ के कुदरती माहौल को यहां तक खतरनाक हालात में धकेल दिया कि अब अगर खुदा ना करे माजी की तरह यहां कोई तबाही आई तो बचाने के लिए माजी का वाहिद सहारा जंगली हयात तो अब भी मौजूद नहीं है। काला तीतर अपनी इंतहाई मुनफरिद आवाज के लिए मशहूर तो है ही, मगर इसका गोश्त भी मकामी और बैरूनी शिकारियों के लिए फखर की अलामत भी है कि दोस्तों को फखर से सर ऊंचा करके बताना जो होता कि हमने काले तीतर का गोश्त खाया और तारीख में जमीन और आसमान के कलाबों को मिलाना। इसलिए काले तीतर की आवाज कहीं भी सुनते ही बंदूक लेकर शिकारी हजरात निकल पड़ते हैं, और तब तक इनके अंदर का जालिम इंसान चैन से नहीं बैठता जब तक शिकार करके तस्वीर नहीं बना लेते। बुनियादी तौर पर यह जंगली परिंदा सरसब्ज इलाकों से लेकर पहाड़ी और रेतले इलाकों में भी आसानी से रह लेता है। जंगली तीतर की खुराक में ज्यादातर कीड़े मकोड़े, घास और पौधों के बीज वगैरह शामिल हैं। यह मासूम परिंदा इंसानों और इनकी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इंसान इसको नुकसान पहुंचाने के दर पे हुआ पड़ा है। इसको पिंजरों में कैद करके रख लेता है। सर्दियों का खात्मा करीब आते ही इनमें अफसाइश नस्ल का सिलसिला शुरू होता है, और नर तीतर जोड़ा बनाने के लिए मादला को मुतासर करने के लिए अपनी तेज आवाज में बोलना शुरू करते हैं, जो ज्यादातर सुबह और शाम के वक्त होता है। ये ज्यादातर दूर तक नहीं उड़ पाते और ना ही दूर दराज हिजरत करते हैं, इसीलिए आसानी से शिकारियों का निशाना बन जाते हैं। तीतर अपना घोंसला जमीन पर ही घनी घास, झाड़ियों और फसलों में बनाते हैं।
मादा 10 से 15 अंडे देती है, जिनमें से 18 से 20 दिनों में बच्चे निकल आते हैं, जो माँ के साथ साथ ही रहते हुए खुराक तलाश करना सीखते हैं। ये रबी की फसल का मौसम होता है, इसलिए जो कुछ थोड़े बहुत तीतर फसलों में घोंसला बनाते हैं वो किसानों के काम आ जाते हैं। तीतर के बच्चे खतरा महसूस करके किसी पत्थर या झाड़ी वगैरह की ओट में छुपकर बना हिले जुले चुपचाप बैठकर हिले चुले बिना खतरा टलने का इंतजार करते हैं, मगर इंसान इन्हें ढूंढकर पकड़ लेते हैं और शौक या पैसे कमाने के लिए पालते हैं। और वैसे भी आजकल फसलों में दिए गए तीतर के अंडे जरी मशीनों की वजह से कम ही बच पाते हैं। काश इंसानों में ये इज्तमाई शऊर बेदार हो जाए कि ये जमीन खुदा की है और यहाँ पर सब जानदारों को रहने का आज़ादी से हक हासिल है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में तीतर को जब भी हम देखेंगे वो एक पिंजरे में कैद हुआ पर नजर आएगा, जबकि ये आज़ाद परिंदा इसको आज़ाद ही रहने दीजिए। अल्लामा इकबाल का शेर है, आज़ाद मुझको कर दी हो कैद करने वाले, मैं बेजुबान कहती हूँ तू छोड़कर दुआ ले। ये परिंदे की फरियाद इकबाल ने कही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।